नमस्कार। रिसेंट इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप मुझे देख रहे हैं, मैं हूं रोशन कुमार। आज हम पहुंचे हैं बिशंभरपुर पंचायत के वार्ड नंबर 5 में और आज हमको मिले हैं यहां के वार्ड के पति लक्ष्मी शाह जी, जो अपनी परेशानियों को हमारे माध्यम के आप तक पहुंचाने का काम करेंगे और इनकी परेशानियों को हम सुनेंगे और आप तक पहुँचाएँगे। और पंचायत में इस बात की बहुत चर्चा हो रही है जिसके वजह से यहाँ का रोड पूरी तरह से बाधित है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लक्ष्मी शाह जी से, इनकी परेशानियों को सुनते हैं। चलिए, मैं बिशंभरपुर पंचायत के वार्ड नंबर 5 गांव फुसतपुर से वार्डपति लक्ष्मी शाह बोल रहा हूँ। ये हमारे साथ मुखिया जी का जो दुर्व्यवहार हुआ है उसको मैंने सहन नहीं किया जा सकता है। सहन करते करते मैं थक चुका हूँ और उनके चलते हमारा ये जो वार्ड का रास्ता है पूर्ण रूप से बाधित है। यहाँ पर गड्ढा तरह हो गया है और हमारे घर के बगल में नाला का एगो एस्टीमेट है और ये रोड का एस्टीमेट है। ये दोनों पर हमने बार बार उनसे रिक्वेस्ट करते आया लेकिन उन्होंने आज तक इसका कोई हमारा निदान नहीं कि 5 नंबर में कोई वर्क ही नहीं। मुखिया जी से जब आप कहते हैं तो क्या कहते हैं इस बारे में? वो सीधा कहते हैं कि हमको पहले कमीशन दो। तो इस मामले की जानकारी आपने दरियापुर प्रखंड में किसी को दिया? दिया गया है, मौखिक रूप से दिया गया है। इस पर क्या संज्ञान लिया गया? कुछ नहीं लिया गया। आइए हम सबसे पहले यहाँ के रोड को दिखाते हैं जिसके वजह से यहाँ के लोगों का आवागमन पूरी तरह से बाधित है। कैमरा पर्सन को कहूँगा कि थोड़ा इस रोड को दिखाया जाए, दिखाने का काम करेंगे। और यह देखा जाए नल जल का पाइप है जो पूरी तरह से खुला पड़ा हुआ है और यह नल जल पूरी तरह से वार्ड पर दबाव बनाकर अपने निजी ठेकेदार को दिया गया। और इस योजना को देखें, नल जल योजना में भ्रष्टाचार ये पूरी तरह से दिख रहा है, जिसे देखा जा सकता है कि इसकी लाइफ कितने दिन होगी आप लोग खुद देखिए। और वार्ड पर दबाव बनाया गया और दबाव बनाकर इस काम को अपने मर्जी के मुताबिक ठेकेदार को दिया गया। इस बारे में मैं लक्ष्मी शाह जी से जानना चाहूँगा कि आप पर नल जल का जो काम दिलाया गया वो किस आधार पर दिलाया गया और काम को पूरा क्यों नहीं किया गया, या काम में कमियां आई तो उसको सुधार क्यों नहीं किया जा रहा, इसके बारे में हम बात करेंगे लक्ष्मी शाह जी से। इस पर मैं कहना चाहूँगा कि हमारे काम को बिना कोई सूचना के मुखिया जी आए, हवर हवर बोरिंग करा दिए और ठेकेदार को सुपुर्द कर दिए। अब बोले कि आपके द्वारा ये सब काम हो रहा है। बार बार हमने कहा कि नहीं, हमारे स्तर से काम कराइए, हम उस काम को कराएंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और बार बार कमीशन, बार बार झूठ साठ वातावरण पैदा करते हैं और गांव में तनाव की स्थिति पैदा करा देते हैं। गुंडा के द्वारा इन्होंने जो उनका दलाल है वो दलाल के माध्यम से बार बार तनाव की स्थिति पैदा कर देते हैं। और हमने कहते कहते थक गया और इसकी सूचना BDO ऑफिस और जहीं तहीं जहां जहां उच्च अधिकारी हैं उनको भी सूचना दिया, लेकिन उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। और कागज मांगने जाता है आदमी कि हाँ भाई, मुखिया जी कराए हैं, मुखिया जी के माध्यम से तुम पैसा लिया है, सब कुछ तो तुम ले लिया, हमारा कागज पत्र क्यों नहीं दे रहा? आप सुन लिए लक्ष्मी शाह जी की चर्चा। लक्ष्मी शाह जी जो कि यहाँ पंचायत बिशंभरपुर के वार्ड नंबर 5 के पति हैं, इस रोड की स्थिति को देखिए और समझिए कि इस रोड के वजह से कितनी परेशानी है यहाँ की लोगों को और इस नल जल की लाइफ कितनी होगी यह भी देखने का विषय है। और इस नल जल का पूरा योजना कितने का था आप बताएंगे? 16,72,000 का था, यानी कि 16,72,000 रुपया पूरा निकासी कर लिया गया है? नहीं, मेरे खाते पर मात्र 15 ही दिया गया। अच्छा, 1,72,000 यानी कि आपके कथनानुसार या MB के हिसाब से बकाया है? MB उसको अपने स्तर से लोग 14,18,000 करवा दिया, उसका कागज भी अभी तक हमको नहीं दिया। पैसा तो कागज के लिए आप गए तो आपको क्या बोला जा रहा है?
बार बार ठेकेदार कहता है कि तुमसे नहीं लिया है ठेका, मुखिया से लिए हैं, मुखिया जी जो कहेंगे वह करेंगे, तुम्हारा बात नहीं मानेंगे। आपका नल जल का ठेकेदार कौन है? हमारे नल जल का ठेकेदार ये विनायक प्रमोटेड विनोद शर्मा जी लिए हुए हैं, उन्हीं के माध्यम से अभी पूरा काम अधूरा, अभी न इसका पेंटिंग किया, न बोर्ड लगा, न स्टेपलाइजर दिया,